फर्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आई थिंक आयशा ने सिर्फ पढ़ा है सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, बाकी सबके लिए न्यू टॉपिक ही है। सो लेट्स चेक आयशा को कितना याद है सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट। फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम माय साइड इज सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी चाहता है वो अनम्यूट करके बोल सकता है और फटाफट बताना बेटा, नो टाइम वेस्टेज इन दिस, कम ऑन। व्हाट इज सब्जेक्ट? डूअर्स ऑफ द एक्शन। आई रिमेंबर डूअर ऑफ द एक्शन, या एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो सब्जेक्ट इज बेसिकली डूअर ऑफ द एक्शन, वेरी गुड, उसको याद है। व्हाट इज वर्ब? हम डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं, मतलब ऐसा इंसान जो किसी काम को कर रहा हो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, राइट? वर्ब जो होता है वो आपका एक्शन वर्ड्स होता है, ठीक है? जब कोई किसी काम को कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है वो आपका वर्ब होता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज कि हम डूअर ऑफ द एक्शन और एक्शन वर्ड्स के बीच में अग्रीमेंट कराए, ठीक है? अग्रीमेंट जब इन दोनों के बीच में हो रहा होता है तो इसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। अब अग्रीमेंट होता कैसे है, तो बेटा अग्रीमेंट कराने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है? उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो रहे, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ओके, नाउ ये सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल वी अंडरस्टैंड, ही शी इट, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यू दे आर प्लूरल सब्जेक्ट। व्हाट इज सिंगुलर प्लूरल ऑफ वर्ब? बेसिक सिंगुलर प्लूरल हम समझते हैं इज आर सिंगुलर वर्ब्स, आर प्लूरल वर्ब, वाज सिंगुलर वर्ब, वर प्लूरल वर्ब, हैज सिंगुलर वर्ब, हैव प्लूरल वर्ब। तो डिफरेंस हम समझते हैं, लेकिन अगर मान लो कि नाउ वर्ब के बीच में डिफरेंशिएशन दिखते हैं। अगर मान लो मैंने कहा कि बेटा व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बॉय, तो आप बोलोगे बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉय। यस शिवानी, बॉयज होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अगर मैंने इसी में पूछा कि बेटा व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड लेडी, लेडी लेडीज होता है, एल ए डी वाई एस और आईईएस, आईईएस आईईएस, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ इन अ सिमिलर टर्म इफ आई आस्क कि बच्चे व्हाट इज द प्लूरल ऑफ प्लेन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ प्लेन, फिर क्या बताओगे? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ प्ले, कौन बताएगा? आयशा बताओ, प्ले का प्लूरल क्या होता है? कोई नहीं बोल रहा, आई थिंक बच्चे, या यू थिंक इट्स, I'm so sorry, your voice is not audible. कोई और बता सकते हैं प्लूरल ऑफ प्ले? Anyone? Plays. Plays. Very good. सबने प्लेज कहा। अब एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैंने कहा कि he played football, is this sentence correct? He played football? No, this is incorrect.
आई सेड व्हेन व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी टेक सिंगुलर वर्ब. ही सिंगुलर था, तुमने बोला कि बेटा, तुमने बोला कि मैम प्ले का प्लूरल प्लेज होता है, तो मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब पुट किया, मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिख दिया. बट आप खुद ही कह रहे हो कि ये गलत है, फिर हम यहाँ पर क्या करेक्शन करें? What should be the correction here? He plays football. और अगर मैं बोलूं कि they play football, तो ये करेक्ट होगा? They play football is correct or not? It is correct. That means he plays is singular. Plays is singular and play is plural, because with he we are using plays and with they we are using play. He ke saath hum plays use kar rahe, they ke saath hum play use kar rahe. That simply defines that plays is singular and play is plural. Yahan se humne ek cheez derive kiya. Humne kya derive kiya? Ki beta boy aur lady kya tha hamara? Noun tha. ठीक है, बॉय और लेडी क्या था हमारा? नाउन था. मतलब कि जब हम नाउन के साथ एस और एस लगा रहे थे, तो वो क्या बन रहा था? वो प्लूरल बन जा रहा था, राइट. लेकिन प्ले हमारा वर्ब था. जब हम वर्ब के साथ एस और एस लगा रहे थे, तो वो क्या बन जा रहा है? वो सिंगुलर बन जा रहा है. मतलब whenever we use s or es with a noun, it becomes plural, and whenever we use s or es with a verb, it becomes singular. Is that clear to everyone? सबको समझ में आई ये छोटी सी बात? Yes, ma'am. Okay. With this simple concept, we will do the questions of subject, verb, complement. Okay. Now. I've already told you this. Just go through these sentences fast. जल्दी जल्दी आंसर करना, कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का, बहुत आसान है. बोलो. Woman and Sohan are working hard. मोहन एंड सोहन आर वर्किंग हार्ड. किसने बोला ये? सिमरन, शिवानी ने बोला. ओके शिवानी, ओके ग्रेट. सौरभ, इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप ना लिखिए 1 आर, मैं समझ जाऊंगी. इतना टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. 1 आर तो क्या होगा? फायर एंड वॉटर डज नॉट एवर मीट. तो हम पर क्या करेंगे? Do not ever meet. Very good. Induce do not here. What about the third one? Hard work and luck come together. Very good. Slow and steady wins the race. कितने बच्चों को लगता है सही है? अपना अपना नाम बोलो. करेक्ट वाले बच्चे कितने हैं? रूपल इज सेइंग दैट दिस इज करेक्ट. ओके एंड सिमरन इज आल्सो सेइंग इट इज करेक्ट. ग्रेट. व्हाट अबाउट फिफ्थ वन? सॉरी, ब्रेड एंड बटर. Bread and butter. Correct. Ah, that's correct. Okay. The horse and carriage. The horse and carriage. Sahi hai shayad. Five is correct. We are saying five is correct. Okay. What about the seventh one? Last question. Bread and butter.
is out of stock. Is out of stock. Correct. ये भी correct है. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. In 7 hours. We are saying in 7 hours. Okay. चलो ठीक है. अब एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले रूल समझना. आर ऑफ स्टॉक कहाँ पे आर होगा? आर ऑफ स्टॉक. ओके ओके ओके. लेकिन ये बोल कौन रहा है? ओके गाइस, सबसे पहले रूल समझना कि सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है तो जो वुड भी यूज होगा वो वर्ब प्लूरल होगा. ठीक है. व्हेन टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड द वर्ब वी विल यूज दैट विल बी प्लूरल. यहाँ पे लिखा है मोहन एंड सोहन दो अलग अलग सब्जेक्ट है एंड सेकंड है आर यूज किया. बिल्कुल करेक्ट. फायर एंड आग और पानी दो अलग अलग सब्जेक्ट है. दो अलग अलग सब्जेक्ट है एंड से कनेक्टेड है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे. तो अभी बोला कि वर्ब के साथ जब एस और यस लगता है तो वो सिंगुलर होता है. एस और यस नहीं लगता है तो वो प्लूरल. तो हम वहां पे एस हटाकर उसको डस का डोंट कर दिया. बिल्कुल करेक्ट है. हार्डवर्क एंड लक मेहनत और किस्मत दो अलग अलग सब्जेक्ट है एंड से कनेक्टेड है. हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है तो एस हटा दिया. प्लूरल बना दिया. कम टुगेदर हो गया. लेकिन यहाँ पे लिखा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. खरगोश और कछुए की कहानी हर किसी मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. क्या डिफाइन कर रहे हैं? क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और ये दोनों सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होकर किसी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किसी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है. ठीक है. ये किसी सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. अब जैसे यहाँ पे लिखा है स्लो एंड स्टेडी तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है जो एंड से कनेक्टेड है बट ये दोनों सब्जेक्ट कंबाइनली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर चूंकि ये सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वर्ब लगा रहे हैं. दैट वर्ब विल बी सिंगुलर. ठीक है. तो आपको सबसे पहले यही ट्राई करना है कि दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होकर सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं. ठीक है. तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लगाया. इन अ सिमिलर मैनर लिखा है ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. अब यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट में हम कभी भी ये नहीं करेंगे ना कि हम पहले ब्रेड खा रहे हैं बाद में बटर खा रहे हैं. हम ब्रेड और बटर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके खाएंगे. जब ब्रेड और बटर यहाँ पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो एक सिंगुलर एंटिटी बन रहा है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ब्रेकफास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगेन इट इज बिहेविंग एज अ सिंगुलर एंटिटी एंड रिप्रेजेंटिंग ब्रेकफास्ट. तो हम यहाँ पर ओके बाबा. तो लाइक it is also representing singular entity that is breakfast. तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. दिव्यांश, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? मैम ये रिपीट कर दीजिए. फोर्थ रिपीट कर देती हूँ. बच्चे इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरी वन कि अनटिल एंड अनलेस देयर इज डाउट इन योर माइंड यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ क्योंकि बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा है ना वो काफी डिस्टर्ब कर रहा है. ठीक है. तो जब आपको कुछ पूछना हो ना तो आप बेझिझक अपना माइक्रोफोन ऑन करिए और आप हमसे पूछ लीजिए आपको जो भी पूछना है. बट जब मैं पढ़ा रही हूँ ना जब आपको कुछ पूछना नहीं है तो प्लीज खुद को अनम्यूट करके रखिए कि मेरी वॉइस आपके पास तक क्लियरली पहुंच सके. ओके
okay so we'll talk about question number 4 and 5 jo divyansh pooch raha hai ki ma'am repeat kar dijiye beta maine ek simple si baat batayi ki jab do subject and se connect hokar kisi singular entity ko represent kar rahe hote hain na to hum uske sath verb hamesha singular lagate hain jaise humne yahan pe likha hai slow and steady to yahan par do subject jo hai wo and se connect hokar represent kisko kar rahe hain the race ko kisko complement kar rahe hain the race ko तो जब वो यहाँ पर सिंगुलर एंटिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं व्हेंस इन अ सिमिलर मैनर ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट तो यहाँ पर ब्रेड और बटर दो अलग अलग सब्जेक्ट है लेकिन ब्रेड और बटर कंबाइनली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेकफास्ट को अब जब आप ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट में खा रहे हो तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे ना कि ब्रेड पहले खाओगे बटर बाद में खाओगे ये ब्रेड और बटर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना यहाँ पर एज अ ब्रेकफास्ट तो जब ये यहाँ पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इट इज बिहेविंग एज अ सिंगुलर एंटिटी जब ये सिंगुलर एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इन अ सिमिलर मैनर लास्ट क्वेश्चन देखो ब्रेड एंड बटर इज आउट ऑफ द स्टॉक इन द स्टोर जब हम स्टोर पे जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भैया एक ब्रेड दे दो एक बटर दे दो तो वहां पर क्या हो रहा है वहां पर आप ब्रेड अलग खरीदोगे बटर अलग खरीदोगे तो ये दोनों यहाँ पर सिंगुलर एंटिटी की तरह बिहेव नहीं कर रहा जब ये यहाँ पर सिंगुलर एंटिटी की तरह बिहेव नहीं कर रहा तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे जब ये सिंगुलर एंटिटी की तरह बिहेव करेगा तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे सबको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ इज दैट क्लियर टू एवरीवन इवान इज क्लियर रूपल इज क्लियर ओके एनीवन हु हैज डाउट प्लीज प्लीज मैसेज मी ऑन चैट बॉक्स अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में अगर डाउट नहीं है तो यू कैन जस्ट राइट इट देयर इज नो डाउट हाँ जी शिवानी आप कुछ पूछ रहे हैं हाँ जी मैम मैम सेवन टू आने स्टोर ब्रेड और बटर सिंगुलर एंटिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोर को ये ब्रेड एंड बटर यहाँ पे सिंगुलर एंटिटी को शिवानी इसलिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचो कि व्हेन यू आर गोइंग इन अ स्टोर एंड यू आर आस्किंग कि भैया एक ब्रेड देना है एक बटर देना तो वो क्या आपको टोस्ट बनाकर देगा वो आपको टोस्ट बनाकर देगा नहीं वो आप ब्रेड अलग खरीदोगे वो आप बटर अलग खरीदोगे जब आप दोनों को अलग अलग खरीदोगे तो वो दोनों अलग अलग एंटिटी की तरह बिहेव करेगा जब वो अलग अलग एंटिटी की तरह बिहेव करेगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे लेकिन जब हम उसको ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो हम ब्रेड और बटर को लगा कर खा रहे हैं मतलब वो एक टोस्ट को हम खा रहे हैं ना मतलब ब्रेड और बटर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना एज अ ब्रेकफास्ट तो जब वो वहां पर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो इट इज बिहेविंग एज अ सिंगुलर एंटिटी तो हम वहां पर उसके साथ इज लगाएंगे वो यहाँ पर सिंगुलर एंटिटी ब्रेकफास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके दैट इज द बेसिक डिफरेंस बाबा यू वांट टू आस्क समथिंग बच्चे यू आर टाइपिंग समथिंग जब तक वो नो मैम इट्स क्लियर ओके सो लास्ट क्वेश्चन इज द हॉर्स एंड कैरेज आर एट द डोर अगेन अगेन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है एंड में जिसको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है लेकिन इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे यहाँ पर होगा द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर क्यों बच्चे क्योंकि ना इसका तो एक मैं आपको डिफरेंट रूल भी बताऊंगी इसका ना मैं अभी आपको एक डिफरेंट रूल भी बताऊंगी लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिए कि जब आपने बोला द हॉर्स एंड कैरेज सो कंबाइंडली इट इज बिहेविंग एज अ व्हीकल नेम वो एक व्हीकल की तरह बिहेव कर रहा है घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं ठीक है जब कंबाइनली इट इज बिहेविंग एज अ सिंगल व्हीकल तो हम इसको सिंगुलर यूनिट कंसिडर करते हुए हम इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे ठीक है बाकी इसका एक और एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट रूल यहाँ तक सबको समझ में आया ना सिंगुलर एंटिटी प्लूरल एंटिटी हम कैसे कंसिडर करते हैं ओके 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 ग्रेट 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 Thank you. Next. Just go through these questions once. Answer karo.
इतना टाइम मत लगाओ, ऐसे जस्ट सिंपल वन में अगर आपको इसको आर करना है, यू कैन जस्ट से वन आर, टू इज, थ्री आर, जो भी आप करना चाहते हो अपने वन आर, ठीक है. टू ओके, टू इज करेक्ट. और अबाउट थ्री, थ्री इज करेक्ट, थ्री इज करेक्ट, ओके. व्हाट अबाउट फोर, इनकरेक्ट, विल वाज, वाज. व्हाट अबाउट फिफ्थ, करेक्ट, फिफ्थ इज करेक्ट आई गेस, करेक्ट. What about six? Ma'am, fourth was correct. Fourth is also correct. Okay. Then what is the difference between question number three and four, Divya? Think about it also. What about question number six? A blue and orange dress. Was bought by her. Okay. Was bought by her. What about question number seven? Sorry? Correct. Seven is correct. Okay, and what about eighth one? Is here. Is here. Okay. Very good. But still, I guess some of the students are facing problem because जैसे दिव्यांश भी कह रहा था कि four correct है. तो मैं एक जल्दी से उसको explain कर ही देती हूँ. Rule ये कहता है, note down कर लेना. रूल ये कहता है बेटा कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट, ठीक है, जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होता है और पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है. और दो सब्जेक्ट है एंड से कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है, दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल, दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव यूज्ड है तो जो हम वर्ब यूज करेंगे, तो जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है. ऐसा क्यों करते हैं, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा है, मतलब एक ही इंसान है जिसकी दो क्वालिटी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. जब यहाँ पे लिखा है ना द क्रिकेटर एंड पियानिस्ट, दैट मींस यहाँ पे एक इंसान है जो क्रिकेट खेलता है और पियानो भी बजाता है, ठीक है. तो हम सिंगल पर्सन की दो क्वालिटी बता रहे होते हैं. जब हम सिंगल पर्सन की दो क्वालिटी बता रहे होते हैं तो बात तो एक ही इंसान की हुई ना, बात तो एक ही इंसान की हुई. चूंकि वहां पर बात एक इंसान की हो रही होती है हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है. लेकिन जब दोनों के पहले हमने आर्टिकल लगा दिया ना, जब यहाँ पे द क्रिकेटर एंड द पियानिस्ट लगा दिया तो यहाँ पर समझ में ये आ गया कि हम दो अलग अलग इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. क्रिकेटर अलग है, पियानिस्ट अलग है. तो जब हम दो अलग अलग इंसान के बारे में बात करेंगे तो हम उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है. तो इट विल बी द क्रिकेटर एंड द पियानिस्ट आर नॉट गोइंग विद अस, यहाँ पर इज नॉट गोइंग विद अस हो गया. यहाँ पे द ओरेटर, द स्टेट्समैन है तो यहाँ पर वर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे द ओरेटर एंड स्टेट्समैन है मतलब इसके साथ द आर्टिकल नहीं है, मतलब एक ही इंसान है जो अच्छा ओरेटर भी है और स्टेट्समैन भी है, तो इसके साथ वॉज आएगा. और ब्लू एंड ऑरेंज ड्रेस, मतलब दो अलग अलग ड्रेस है, एक ब्लू कलर की ड्रेस है, एक ऑरेंज कलर की ड्रेस है, तो आप वर लगाओगे. और ब्लू एंड ऑरेंज ड्रेस का मतलब क्या हुआ, एक ही ड्रेस है जिसमें ब्लू कलर भी है और ऑरेंज कलर भी है, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे. हमने कहा माई फ्रेंड एंड माई फिलोसोफर, यहाँ पर माई क्या है बेटा, माई यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो जब दोनों के पहले माई माई आ गया मतलब माई मतलब दोस्त अलग है, फिलोसोफर अलग है, तो यहाँ पर आर लग गया. लेकिन जब आपने बोला माय फ्रेंड एंड फिलोसोफर, मतलब एक ही इंसान है जो मेरा दोस्त भी है और मेरा फिलोसोफर भी है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इज लगाया. ये सबको समझ में आया, ये स्लाइड सबको समझ में आ गया. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके.
Okay, now go through these questions once. He introduced me to his mother, who is a doctor and a singer. My mother and father have arrived. Is this sentence correct? Doctor and singer. Doctor and singer. Very good. Doctor and singer. Very good. And what about second one? And my father. And my father. Very good. जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पर अ सिंगल इज रॉन्ग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपको सिंपल सी बात है यह लिखा है ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज मदर हु इज अ डॉक्टर एंड अ सिंगर उसने मुझे अपनी मम्मी से मिलवाया जो डॉक्टर भी है और सिंगर भी है हम बात किसकी कर रहे हैं मदर की और हम मदर की दो क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं पहली क्वालिटी डॉक्टर है और दूसरी क्वालिटी सिंगर है और जब हम एक इंसान की जब हम सिंगुलर पर्सन की दो क्वालिटी डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वालिटी के पहले आर्टिकल लगाते हैं दोनों के पहले आर्टिकल तो लगाते नहीं है तो सिंपली यहाँ से ए आर्टिकल हट जाएगा लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माय मदर एंड फादर तो कई बार ये बच्चे क्या करते हैं इन कंफ्यूजन वो यहाँ पर हाफ को हैज कर देंगे क्योंकि मैंने क्या बोला है कि भाई जब एक के पहले एडजेक्टिव आया हुआ है तो सिंगुलर वर्ब आएगा लेकिन बच्चे ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखो कि मम्मी और पापा दो अलग अलग इंसान हैं और जब आप दो अलग अलग इंसान के बारे में बात कर रहे हैं दैट मींस यहाँ पर हैव आया हुआ है विच इज करेक्ट विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट राइट तो जब यहाँ पर हैव आया हुआ है वो करेक्ट है तो हम हैव किस सर्कमस्टांस में लगाते हैं जब दोनों के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ हो तो आप सिंपली दोनों के पहले एडजेक्टिव लगा दीजिए ओके क्लियर गाइस यस यस वैभव इट इज नेसेसरी टू पुट द सेकेंड माई जस्ट बिकॉज अगर आप यहाँ पर माई नहीं लगा रहे हैं ना तो आप सिंगल यूनिट कंसिडर कर रहे हैं मतलब एक ही इंसान है जो मम्मी भी है और पापा भी है जब आप ऐसा कंसिडर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हैज लगाना है ठीक है एंड ये जो केस है ना ये स्पेशल केस है ऑब्वियसली किसी किसी के साथ हो सकता है कि एक ही इंसान है जो उसके मदर और फादर दोनों है लेकिन वो जब वो स्पेशल केस है अगर ऐसा एग्जाम में होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी समथिंग एडेड विद द सेंटेंस ऑब्वियसली देयर विल बी समथिंग एडेड विद द सेंटेंस बट जब यहाँ पर कुछ भी ऐसा एडेड नहीं है ना तो हम मम्मी और पापा दोनों को अलग अलग एंटिटी ही कंसिडर कर रहे हैं और जब हम दो इंसान को अलग अलग एंटिटी कंसिडर कर रहे होते हैं तो हम दोनों के साथ इंडिविजुअल आर्टिकल या एडजेक्टिव यूज करते हैं ठीक है बाबा समझ में आया Now go through these sentences. Very, very important. बहुत important. हमेशा इसे question पूछे जाते हैं exam में. Come on, who will answer? Very good. Very good. Well, what question number two? Every girl so, was happy. Every girl was. ठीक है. Yes. What about third one? Has his own. Has his own car. Okay. What about fourth one? Fourth is correct. Servants have. Third one is have. Who is this? किसने बोला कि third का have ही होगा? Fourth is correct. Okay. What about question number five?
Fifth is okay. None of them is. Question number six. Come on, question number six. Six is correct. Okay. What about question number seven? बेटा गेस वर्क ही तो करना है. गेस वर्क तो अच्छे से करो. देखो कि तुम अच्छे से गेस कर पाते हो कि नहीं. मैन वेरी गुड बाबू वेरी गुड. आई रियली अप्रिशिएट. एटलीस्ट कोशिश तो अच्छे से कर रहे हैं. व्हाट अबाउट एट वन? एट वन के बारे में क्या विचार है सबके? हैज टोल्ड हिम हैज. No error. Baba was saying 8th, but no error. Now, I'll let you know. आप सबको खुद को म्यूट कर लो और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो. बेटा दो चीज होती है. एक तुम्हारा होता है एडजेक्टिव और एक तुम्हारा होता है प्रोनाउन. सब कोई जानता है एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है? What is adjective? What is pronoun? Come on, कोई भी बता दो. बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा मैंने कि बेटा एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है. कौन बताएगा? Adjective is used to describe a noun. Very good. And what is pronoun? Pronoun is used in place of noun. Absolutely, absolutely correct answer. Adjective is a word which is used to describe a noun. Adjective ऐसे words होते हैं जो noun को describe करते हैं और pronoun ऐसे words होते हैं जो noun के जगह पे आते हैं. ठीक है, अब देखना यहाँ पर each जो है, यहाँ पर जो each word है, यहाँ पर जो every word है, ये adjective है कि pronoun है? ये यहाँ पर किसको describe कर रहे हैं? ये यहाँ पर boy और girl को describe कर रहे हैं. Boy and girl is a noun. जब ये noun को each और every describe कर रहे हैं, तो obviously ये यहाँ पर किसके तरह behave कर रहे हैं? As an adjective. Adjective. Very good. तो जब कभी भी बेटा, जब कभी भी each और every adjective की तरह behave करेंगे ना, तो इसके बाद आने वाला जो subject होता है, वो subject भी singular होता है. और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब भी सिंगुलर होता है. ठीक है, ईच और एवरी जब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे तो हम उसके बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम. नाउ यहाँ पर लिखा है each of the boys, either of the servant, none of them, neither of the three girls. तो यहाँ पर ये जो each, either, none, neither है, बेटा this is behaving here as pronoun. ये तो यहाँ पर as a pronoun behave कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताओ ये किसकी quality बता रहा है? यहाँ पर ये किसी भी चीज की quality नहीं बता रहा. दूसरी बार यहाँ पर ये subject के तरीके से आ रहा है. तीसरी बार यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन यूज किया गया है. ऑफ इज प्रपोजिशन, हर कोई जानता है कि ऑफ प्रपोजिशन होता है. एक बात आज के बाद अपनी जिंदगी भर याद रखना कि प्रपोजिशन के बाद बेटा हम हमेशा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. तो यहाँ पर ये जितने भी है ना, बॉयज, सर्वेंट, देम, थ्री गर्ल्स, ऑल दीज आर व्हाट? ऑब्जेक्ट. ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह कौन बिहेव कर रहा है? ईच, either, none, neither, one, that means it is behaving as a subject. और subject की तरह behave कर रहे हैं तो ये क्या है? ये यहाँ पर pronoun है, right? तो जब कभी भी each,
either, neither, one, none के बाद of आ जाए ना, of word आ जाए ना, तो it will behave as pronoun, right? तो इसके बाद जो भी noun और pronoun आएगा, जैसे कहीं कहीं पे boys आया हुआ है, कहीं कहीं पे them आया हुआ है, तो जो भी noun और pronoun आएगा, वो noun और pronoun हमेशा plural होगा, ठीक है? वो noun और pronoun हमेशा plural होगा, लेकिन इसके साथ जो verb आएगा बेटा, वो verb हमेशा singular होगा, it will always be singular, क्यों? Noun pronoun plural क्यों और verb singular क्यों? ये ऐसा इसलिए क्योंकि each का मतलब होता है हर एक. Each का मतलब क्या होता है? हर एक. जब हम हर एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो obviously हम उसके साथ plural noun लगाएंगे या plural pronoun लगाएंगे. Either का मतलब क्या होता है? दो में से एक. बात तो दो इंसान की हो रही है. जब दो इंसान की बात हो रही है तो obviously हम plural noun और pronoun लगाएंगे. Same with neither. Neither का मतलब भी होता है दो में से एक भी नहीं. तो यहाँ पे भी हम दो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो plural लगाएंगे. One का मतलब होता है सब में से एक और none का मतलब होता है सब में से कोई नहीं. तो जब हम यहाँ पे सब की बात कर रहे हैं तो obviously हम इसके साथ plural लगाएंगे, right? तो इसके साथ हमेशा plural noun और pronoun आएगा. लेकिन verb singular इसलिए आता है क्योंकि each, either, neither, one, none itself behaves as a singular subject. क्योंकि बात ये हम बात ये जरूर plural के बारे में कर रहा है, लेकिन choose किसी एक को ही कर रहा है या किसी को नहीं कर रहा है. तो these words itself are plural, are singular words. तो हम इसके साथ हमेशा singular verb लगाते हैं, लेकिन ये represent number को कर रहा होता है, ये represent number को कर रहा होता है, तो हम as a object इनके साथ हमेशा plural object use करते हैं. ये बात सबको clear हुआ? ये बात सबको समझ में आई कि इनके साथ हमेशा object plural आएगा, लेकिन verb हमेशा singular आएगा. Yes ma'am. Okay, now go through the sentences once. यहाँ पे लिखा है each of the boys. यहाँ पर देखो boys plural है, verb plural आएगा, अपने have को have दिया. यहाँ पे लिखा है either of the servant. बेटा verb singular है, ये तो बिल्कुल correct है, लेकिन यहाँ पे ये जो servant आया है ये भी ये plural होना चाहिए, तो इसके साथ हम कहेंगे servants. Very good. यहाँ पे them plural था, हमने singular verb लगाया, बिल्कुल correct answer है. यहाँ पर आपने verb men कर दिया, शायद वैभव ने
Okay, so guys, am I audible? Yes, ma'am. I'm so sorry, guys. Actually, in this difficult time, we all are working from home, and sometimes there is a problem of power cut. But actually, it takes only 2 to 3 minutes to join me back because मेरा generator on हो जाता है ना, तो मैं वापस आ जाती हूँ. तो आप लोग please कहीं जाना मत. अगली बार कभी भी ये problem आए, situation आए, तो just wait here. I will be back in 2 to 3 minutes. Okay? Yes, ma'am. Okay, so we were discussing till, we have discussed till question number 7, I guess, right? So यहाँ पर बिल्कुल सही किया आपने, man को men कर दिया, because यहाँ पर हमारा one of के साथ plural noun और pronoun आता है, ठीक है? Now we'll come to question number 6. बेटा, जब मैं either और neither के बारे में बात कर रही थी ना, तो either का मतलब होता है one of the two. Either का मतलब होता है one of the two और neither का मतलब होता है none of the two. मतलब जब भी हम either और neither के बारे में बात करते हैं ना, we used to talk about two persons. We used to talk about two person or things. तो जब भी हमें दो से ज्यादा के बारे में बात करनी है ना, तो हम either को replace करते हैं. Okay, can't hear again. Now you can hear me. So basically, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम दो से ज्यादा के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो दो से ज्यादा के लिए हम हमेशा either को replace करते हैं with the word one. Either will be replaced with one and neither will be replaced with none. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे जब लिखा है कि neither of the three girls, तो अभी मैंने बताया ना कि two के लिए हम क्या यूज करते हैं, two के लिए वी यूज neither, बट मोर देन two के लिए हम क्या यूज करते हैं, neither की जगह पे none यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पर बच्चे एरर आपका इस सेंटेंस में जो है, यहाँ पर neither नहीं आएगा, इन द प्लेस ऑफ neither यू विल बी यूजिंग none. And say neither of the three girls is working
none of the three girls is working properly. Is that clear? ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. And the last sentence. And the last sentence. Last sentence says, we each have told him to stop criticizing her. ये सेंटेंस ये डिफाइन कर रहा है, ये सेंटेंस ये डिफाइन कर रहा है. देखो ऊपर के हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े इसमें ईच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर भी ईच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था. जब ईच से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन इसमें ईच से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यहाँ पर ईच से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा. तो जब हम ईच से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ईच यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं है. ठीक है, यहाँ पर ईच हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है क्या? यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है आपका वी. तो हम यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? वी के अकॉर्डिंग लगाएंगे. वी यहाँ पर प्लूरल है तो हम वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे. इसी वजह से इस सेंटेंस का आंसर था नो एरर. यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? यस. सो आई एम एंडिंग माई सेशन हियर. अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो मैथ्स की क्लास है. आई गेस सर इज हियर टू कंटिन्यू विद द क्लास. मोहित सर, आर यू हियर? Mohit sir, can you hear me? Okay, so Mohit sir, continue with the class. हाँ, हाँ दिव्यांश बोलो. हम each है क्या कोई adjective? यहाँ पर ईच एडजेक्टिव नहीं है. यहाँ पर ईच ना ये डिफाइन कर रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, वी ईच हैव टोल्ड हिम टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग हर. मतलब हमने से हर कोई, हमने से हर एक ने बोला कि उसको क्रिटिसाइज करना बंद करो. ठीक है, तो यहाँ पर ईच जो है हर एक को डिफाइन कर रहा है और ये डिफाइन कर रहा है कि हमने से हर एक ने बोला. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो ईच है वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है. यहाँ पर जो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है वो वी कर रहा है. इस वजह से हम यहाँ पे वर्ब जो अग्री करा रहे हैं वो वी के साथ करा रहे हैं. ओके ओके गाइस, ओके देन आई लीव द क्लास. थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर. थैंक यू मैम. हेलो स्टूडेंट्स, आपको वॉइस क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ओके. यस सर. ओके ओके. देखो सबसे पहले तो एक बात समझो, पूरी जो हमारी अर्थमेटिक है ना वो परसेंटेज के ऊपर बेस है, पूरी अर्थमेटिक. ठीक है, तो आपको बस दो लेसन के अंदर हार्ड वर्क करना है. देखो फर्स्ट तो है परसेंटेज, ठीक है, सेकंड मैंने आपको डेमो में बताया होगा रेशियो. और जो उसके बाद एसएससी वाले बच्चे, इसमें कुछ एसएससी वाले बच्चे भी है क्या? ये ओनली बैंक वाले हैं. और उसके बाद थर्ड लेसन है एसएससी वाले बच्चों के लिए ज्योमेट्री. आपको जितना भी हार्ड वर्क करना है ना वो इन तीन लेसन के ऊपर करना है. पूरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैथ इन्हीं तीन लेसन के ऊपर बेस है, चाहे वो ए टू जेड कुछ भी क्वेश्चन. ठीक है दियान साहब, इस क्लास में आने लगे तो अब देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज. तो इसलिए परसेंटेज का तो हर छोटे से छोटा पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने आपको डेमो में भी बताया होगा. देखो 1% कितना होता है,
आप बोलोगे सर 1/100, बहुत छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हैं, 1% होता है 1/100, 2% होगा 2/100, ठीक है। अब ये देखो 100 में से हमारे पास कितना पार्ट है 1, यहां पर 100 में से कितना पार्ट है 2, क्लियर। 100 में से 1 पार्ट, 100 में से 2 पार्ट, ये ही परसेंटेज की डेफिनेशन है। आउट ऑफ 100 जो भी पार्ट हमें गिवन है वो ही परसेंटेज है। आउट ऑफ 100 जो भी पार्ट हमें गिवन है वो ही परसेंटेज है। अब यहां से कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आएगा, सर अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हमें 100 से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर होगा यहां से। देखो पर का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ, सेंट का मतलब क्या होता है 100, आउट ऑफ 100। तो इसकी डेफिनेशन में ऐसा है, आउट ऑफ 100 100 में से जो भी पार्ट हमारे पास है वही परसेंटेज है, क्लियर डेफिनेशन। अब देखो इसके बेसिक पॉइंट, देखो परसेंटेज का बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इसका फर्स्ट पॉइंट है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यहां सबसे पहला पॉइंट यह है कि फ्रैक्शन क्या है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं वो ही फ्रैक्शन है। 5/6 एक फ्रैक्शन है क्योंकि इसको हम एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप सपोज हमें 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 20/ ये परसेंटेज का साइन रिमूव करो और 100 से डिवाइड करो, ये होगा 1/5, ठीक है। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 25% कितना होता है 25/ ये परसेंटेज का साइन रिमूव करो एंड 100 से डिवाइड करो, 1/4, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं बस इस लेसन के अंदर जो आपको समझ नहीं आई, 30% होता है 30/ परसेंटेज का साइन रिमूव करो 100 से डिवाइड, 3/10, क्लियर। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट हो या मन में कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आप देखो इसका सेकंड पॉइंट, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, एक हमारे पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना बस आप 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया हमारे पास 20%। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 1/4, ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना बस आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 25%। एक एग्जांपल और देखो 3/10, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 30%। ये था इसका सेकंड पॉइंट। अब अगर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो
तो वो प्लीज कमेंट करो, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक इन्हीं दो पॉइंट के ऊपर बेस है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। पूरी अर्थमेटिक के अंदर आज स्टार्टिंग से जब तक लास्ट होगा बस यही दो पॉइंट को फॉलो करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज। एनी डाउट? एक सेकंड, अब आप देखो इसका थर्ड पॉइंट। देखो 1% कितना होता है, 1% होता है 1/100। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 100% इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, 2% कितना होता है, 2/100 ये कितना होगा, 1/50। अब फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगा 100% इज इक्वल टू 1। देखो जब हमने 1% लिया, ठीक है, अब देखो एक छोटी सी टेबल बनाओ आप सब। देखो 1 होता है 100%, अभी देखा था हमने, 1/2 कितना होगा, 50%, 1/3 बात बिल्कुल सिमिलर है, ये होगा 16.66%। 12.50%, सब इनको नोट डाउन करते रहो साथ के साथ, क्योंकि सारा गेम इसी टेबल का है। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी और बेसिक बातें हैं, इनसे आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यूज हम इन्हीं को करेंगे स्टार्टिंग से और लास्ट तक। 1/10 10%, 1/11 9.09% या फिर 9.09%, 1/12 8/3 8.33%, 1/14 बताओ कितना होगा, 7/1/7 नेक्स्ट करते स्लाइड। नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। 1/15 कितना होगा, 6/2/3 या फिर 6.66%। देखो बेसिक फ्रैक्शन ना हमारे पास इतनी है,
इनको सब नोट डाउन कर लो। सब नोट डाउन करो और फिर कमेंट करो। फिर आपको इन फ्रैक्शन के बेस लेकर नई फ्रैक्शन बनाने सिखाता हूँ कि अगर कोई अलग फ्रैक्शन आएगी तो उसको कैसे हम करेंगे। नोट डाउन कर लिया सबने? देखो आप इसको यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। यस बैक करूं क्या? देखो 1/3 कितना होता है? 33.3/3। देखो इसका मतलब पता है क्या होता है? यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है, बहुत लगेगा। यहाँ पर होता है प्लस, यही तो मीनिंग होता है भाई। यहाँ पर तो आप मल्टीप्लाई करते हो और देन प्लस, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 1/3 है, ये नंबर एक्चुअल में ऐसे लिखा होता है 33 + 1/3। ठीक है, ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर एक्चुअल में ऐसे लिखा होता है। अब सपोज हमें यहां से 2/3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हम 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमारे पास 2/3 आएगा। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई यहां पर करते हो तो आपको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड यहां पर। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ आपको करनी पड़ेगी 66 2/3% सॉरी 66 + 2/3%। ठीक है, अब बस सिंपल है, बीच वाला साइन हमें हटा देना है। 2/3 = 66 2/3। अब ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? देखो आपको इन्हीं को फाइंड आउट करना है धीरे धीरे। एनी डाउट? ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। अब आप यहां से देखो 1/8 कितना होता है? ये होता है ना 1/8 हमारे पास। अब सपोज हमें यहां से 3/8 फाइंड आउट करना है तो बस 1/8 में आप 3 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 3/8 आ सकता है। तो बस आप 3 से मल्टीप्लाई इधर भी करो एंड 3 से मल्टीप्लाई इधर भी करो, ये कितना हो जाएगा 36 + 3/2। अब सब बच्चे ये बताओ क्या ये जो फ्रैक्शन लिखी है ये ठीक है? नहीं, 37 1/2 बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि यह है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कभी भी पूरे मैथ के अंदर कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो वो गलत है। हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम?
न्यूमरेटर एंड इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। यहां से एक बात समझो, न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसका मतलब यह है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और पूरी मैथ के अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। अब बताओ इसको प्रॉपर कैसे बनाओ? हमें इसको डिवाइड करना है, हम इसको वन और ये हो जाएगा टू और यहाँ पर वन। अब ये बन गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? वन कंप्लीट है ना हमारे पास, और वन रिमेनिंग अपॉन टू। इसका मतलब अब हमारे पास थ्री अपॉन टू ही तो है भाई, मीनिंग तो अब भी सेम है थ्री अपॉन टू, लेकिन अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। अब हम थ्री अपॉन टू को वन कंप्लीट वन अपॉन टू लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगर कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट कर देना। अब आप ये देखो, ये हो जाएगा 36 प्लस वन वन अपॉन टू, ठीक है। अब मीनिंग तो अब भी सेम है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है हमारे पास। बस अब सिंपल आप इन दोनों को ऐड कर दो, थर्टी सेवन वन अपॉन टू परसेंट। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप। अगर कुछ भी डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो फिर आप फाइव अपॉन एट फाइंड आउट करो। फाइव अपॉन एट फाइंड आउट करो। बिल्कुल, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी कमेंट करो। 62 वन बाय टू, ठीक है। वन बाय एट हमारे पास है, फाइव अपॉन एट हमें फाइंड आउट करना है, तो बस फाइव से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर भी करो एंड फाइव से मल्टीप्लाई यहाँ। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 प्लस फाइव अपॉन। अब ये हमारे पास फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। अब इस फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करो, कितना होगा? टू इंटू टू कितना होगा? फोर। हमारे पास कितना रिमेनिंग बचेगा? वन। तो अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? टू कंप्लीट वन रिमेनिंग अपॉन टू। फाइव बाय टू हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो, अब ये कितना होगा? 60 प्लस टू प्लस वन अपॉन। अब सिंपल आप इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 62 वन अपॉन टू परसेंट।
किसी को अगर कुछ भी डाउट हो इस बेसिक में तो बताऊंगा। मैथ की स्टार्टिंग यहीं से होगी, अगर किसी की मैथ वीक है या किसी की ज्यादा तेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। दिव्या आपको कोई डाउट नहीं आ रहा? वेरी गुड। 7/8 फाइंड आउट करो कितना होगा। 7/8। मैं फिर समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस ओनली एंड ओनली बस इन्हीं चीजों की कर रही है आपको। कैसे आप इन फ्रैक्शन और परसेंटेज को विद इन सेकंड फाइंड आउट कर सकते हो? 1/8 हमारे पास है, 7/8 हमें फाइंड आउट करना है। 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करो, कैसे करें यहाँ पर कितना होगा 84 प्लस 7/2। अब ये है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बताओ कैसे लिखेंगे। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? 3/3 1/2। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास कितना आ गया 6, रिमेनिंग कितना बचा 1। इसका मतलब क्या है? 3 complete 1 remaining upon 2। एक बार फिर से समझ लो, 3 complete 1 remaining upon 2। ऐसे हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहां लिख सकते हैं 3 plus 1/2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 87 1/2%। कोई डाउट? Any doubt? कोई डाउट नहीं तो फिर अब आप एक फाइंड आउट करो। अब आप फाइंड आउट करो 5/6। सब फाइंड आउट करो 5/6 कितना होगा। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5, हमारे पास कितना हो जाएगा 80 plus 10/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक बार फिर समझ लो। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इसी चीज में आती है, 10 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 9, 1 रिमेनिंग। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 3 complete 1 remaining upon 3। ये 10/3 की प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अब आप ये देखो 80 plus 3 1/3। अब बिल्कुल सिमिलर इसको भी आप 3 plus 3 plus 1/3, ये कितना होगा हमारे पास 83 1/3%। डाउट? ये सब बातें तो ज्यादातर आप सबको पता होगी क्योंकि ये स्टार्टिंग बेस तो ज्यादातर सबको पता ही होता है। अब आप एक बात देखो,
हमारे पास 1% कितना होता है, 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 100%। टू इज इक्वल टू कितना होगा, 200%। ठीक है, थ्री इज इक्वल टू कितना होगा, 300%। एंड सो ऑन, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब आप देखो एक और, एक और फ्रैक्शन, सपोज हमें 66 1600 16 3%, इस परसेंट को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम कैसे कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर ये फ्रैक्शन आएंगे हमारे पास, देखो इन फ्रैक्शन को सबसे छोटी छोटी फ्रैक्शन में ब्रेक करो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1600% प्लस 16 कंप्लीट 2/3%। अभी हमने जस्ट एक मिनट पहले एक बात देखी थी, 1 इज इक्वल टू 100%, तो 1600 की वैल्यू कितना होगी, 16। ये फ्रैक्शन तो हमें टेबल के अंदर ही बना, तो अब ये कितना हो जाएगा, 97/6। इसमें किसी को कोई डाउट, फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस 97/6? 1600 इज इक्वल टू कितना होगा, 16। वन इज इक्वल टू 100%, टू इज इक्वल टू 200%, थ्री इज इक्वल टू 300%, तो 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 1600%। क्लियर? यस सर। 1600 इज इक्वल टू कितना होगा, 16 कंप्लीट 2/3, टेबल में था मेरा 1/6। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 97/6। एनी डाउट? नो सर। 1 more example, 0.2%। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो इसको, कितना होगा, 400% प्लस 37 1/2%, 400% इज इक्वल टू प्लस 37 1/2% इज इक्वल टू 6 या नोटबुक। ये टेबल आपको खुद याद हो जाएगी धीरे धीरे। थ्री अपॉन एट, इसको आप सोल्व करो कितना होगा, 35/8। एनी डाउट? Thank you.
किसी को कोई डाउट? वन मोर एग्जाम्पल 166 टू अपॉन 3%. Convert into fraction. Correct. Five by three. 100% plus 66. 2/3%. ठीक है, 100% इज इक्वल टू 1. 66 कंप्लीट 2/3% इज इक्वल टू 2/3. ये 2/3 सबका आ गया. बहुत खुशी की बात. अगर ये सबका आ गया तो 5/3. एनी डाउट? बस इनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है बस. अब आप फाइंड आउट करो 57 1/7% कितना होता है, बताओ. बिल्कुल करेक्ट. किसका है 4/7? ओके, वेरी गुड. और किसी का आंसर नहीं आया? Yes, sir. 4/7. Okay, सब बच्चे होशियार हो. 4/7. ठीक है, अब देखो जो कुछ अदर्स फ्रैक्शन होंगी ना वो हम क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इनको अप्लाई कैसे करना है. जी मैं तो इतनी देर से खुद ही सोच रहा था कोई पूछे पूछे किसी ने पूछा ही. कुछ बच्चे आपका होशियार है. देखो बताओ, एक बार सुनो, टेबल पे चलते हैं फिर से फ्लैशबैक में. अब आप ये देखो, हमारे पास 1/3 है, इसको देखना आप. ठीक है, हमने 2/3 फाइंड आउट किया. 2/3 कितना आया था? 66. अब आप यहां से एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करो कि देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज हुई, ये वैल्यू चेंज हुई, लेकिन ये वैल्यू तो ऑलवेज सेम रहेगी. आप कुछ भी देखो, ये वैल्यू तो ऑलवेज सेम रहेगी. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये थ्री कौन कौन सी फ्रैक्शन में है. देखो हमारे पास सपोज 66 2/3 फ्रैक्शन परसेंटेज आ जाए, हमें ये फाइंड आउट करना हो कि इसकी फ्रैक्शन कितनी है. तो आप इसका बेस देखो, बेस सब में अलग अलग मिलेगा. अगर कि नहीं, दो वैल्यूज का बेस सेम होगा ना तो वो वैल्यूज बहुत दूर दूर होंगी. देखो 1/3 में है हमारे पास, बेस में 3. यहां देखो आप 1/6 में है, दो ही वैल्यू में तो है हमारे पास, बेस में 3. जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी.
अब आप यहां से देखो 1.2, यहां से अच्छा क्लियर होगा, देखो 1/8 है हमारे पास बेस में 2, ठीक है। हमने 3/8 फाइंड आउट किया बेस में 2, 5/8 फाइंड आउट किया बेस 2, इसका मतलब बेस कभी चेंज नहीं होगा, बेस ऑलवेज इक्वल रहेगा। और आपको इसी बेस से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी। पॉइंट क्लियर हुआ? अब आप ये देखो, हमारे पास फ्रैक्शन थी 57 1/7। अब आप ये देखो, यहां पर 7 है 1/7 में, और किसी में यहां पर 7 है 1/14 में। दो ही वैल्यूज में तो हमारे पास 7 है, लेकिन ये वैल्यूज देखो कितनी दूर दूर है, 1/7 और 1/14। अब देखो आगे देखते हैं, वन अपॉन सेवन कितना होता है, 14 + 2/7%। अब सब स्टूडेंट यहां से 4/7 फाइंड आउट करो, सब स्टूडेंट यहां से 4/7 फाइंड आउट करो। आपको ये बेस वैल्यू से समझ आएगा कि आपको कौन सी फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। 57 1/7, ये कितना होगा 56 + 8/7, ये है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें आप इसको आप प्रॉपर में कन्वर्ट करो, ये होगा 57 1/7%। आपको इस वैल्यू से पता चलेगा कि आपको कौन सी फ्रैक्शन का यूज करना है, और इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। बस एनी डाउट? क्वेश्चन को रीड करो केयरफुली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट तो रह गया, 20% इज इक्वल टू कितना होता है, 1/5। अब आप ये भी तो देखो, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें ऐसा करने की जरूरत क्या है, 20% को 1/5 लिखने की जरूरत क्या है बताओ। देखो अब आप सबसे जरूरी बात समझो कि हम इस चीज को क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, हमें 20% को 1/5 लिखने की क्या नीड है, क्या जरूरत है। ये देखो हम इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करेंगे, 5 का 20% 1। देखो हमारे पास 5 है, 5 का 20% फाइंड आउट करो। फाइव का 20% 1, ठीक है।
अब आप सिंगुलर देखो, सबसे जरूरी पॉइंट तो ये है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। इसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम है, 4 का 25% 1। आप देखो 4 × 25/100। फोर का 25% 1, ठीक है। एक नेक्स्ट और देखते हैं एग्जाम्पल, 37 × 1/2% कितना होता है? 3/8। इसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम है, 8 का 37 × 1/2% इज इक्वल टू 1/3 होगा। हम इसको ऐसे एग्जाम के अंदर यूज करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन में देखते हैं इसको अप्लाई करना कैसे एक्चुअली में। ये बात क्लियर हो गई, 8 का 37 × 1/2% 3 होगा। क्वेश्चन को रीड करो आप केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो सॉल्व। 90 सब ट्राई करो, आराम से ट्राई करो।
20 तो ठीक है, वेरी गुड थिंग. सब अपना आंसर कमेंट करो. पीपल का बिल्कुल ठीक है, आयशा का ठीक है. तो ठीक है, सबसे पहला आ गया था. बाकी सब स्टूडेंट आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी है क्या जिसकी मैथ कुछ बहुत ही ज्यादा वीक है? यस सर. क्या नाम है आपका? दिव्या. सबसे फास्ट तो आंसर कर रहे हो आप, मैथ का वीक है. और कोई ऐसा स्टूडेंट? एजे का नाम क्या? हमें नाम भी तो पता चलना चाहिए. अंजलि जैन, कोई भी बैच ऐसा ना रह जाए जिसमें आप ना हो. तो परसेंटेज क्लियर नहीं. अच्छा. अब आज की बात सबको समझ आई? सबसे पहले तो ये बात क्योंकि देखो बेसिक तो यहीं से स्टार्ट है. किसी का चाहे किसी की मैथ वीक है या उसकी बढ़िया मैथ है, लेकिन बेसिक यही है. कोई देखो नंबर है हमारे पास x, लेट नंबर को हमने एज्यूम किया x. अगर हम x में 25% ऑफ x मींस x प्लस 25% ऑफ x ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाता है? 25. कोई नंबर हमारे पास x है उसमें हम 25% ऑफ x ऐड करते हैं, रिजल्ट कितना हो जाता है हमारे पास? 25. तब आप यहां से देखो x प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 25. 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 25. यहां से x इज इक्वल टू कितना होगा? 20. और x ही तो नंबर हमने एज्यूम किया था, मीन्स वो नंबर होगा हमारे पास x. इस मेथड में किसी को कोई डाउट है? ये तो बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन का. सिमरन कोई डाउट है आपको इस क्वेश्चन में? अब आप ये देखो एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे करना है. देखो एग्जाम में हमें एक्स तो एज्यूम करना ही नहीं है, ये बात तो आपको भी पता है. अब आप ये देखो हमने 25% की फ्रैक्शन देखो कितनी होती है. ठीक है, प्रीवियस मेथड में जो इसका बेसिक मेथड था उसमें हमने जो नंबर x एज्यूम किया था ना, लेट नंबर x, अब की बार हम एज्यूम करेंगे लेट नंबर इज 4. क्यों? क्योंकि 4 में 25% ऐड करना है और 4 का 25% कितना होता है? 1. इसका मतलब अगर हम नंबर को 4 एज्यूम करते हैं तो
तो फोर में 25% ऑफ फोर मीन्स वन ऐड किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना हो गया 5. 5 की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर 25. मीन्स 5 को 5 टाइम्स है तो सिमिलर यहाँ पर भी इसको 5 टाइम्स कर दो. ये मेथड क्लियर हुआ? बेसिक मेथड में जिस नंबर को हमने एक्स एज्यूम किया था अब उसको हम 25% की वजह से 4 एज्यूम करेंगे. एनी डाउट? तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर होगा 20. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5. हमने नंबर को एज्यूम किया 5. लेट नंबर इज 5. 5 का 20% कितना होता है? 1. हमने 5 में 1 ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो गया? 6. 6 ऐड करना. अब की बार हमें 6 की वैल्यू गिवन है 36 मीन्स 6 टाइम. तो बस सिंपल इधर भी आप 6 टाइम्स कर दो, आंसर होगा 30. इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करो. अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर इसको ट्राई करो. और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. अब की बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है. प्रीवियस क्वेश्चन में हम ऐड कर लेते हैं. शिवानी रावत आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. अब की बार हम नंबर को एज्यूम करेंगे 6. हमें इसमें से 1 माइनस करना है. अब की बार 6 में से 6 का 16 कंप्लीट 2/3% मीन्स 1 माइनस करना तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना होगा? 5. 5 की वैल्यू गिवन है हमें 30 मीन्स 6 टाइम. तो बस आप इधर भी 6 टाइम कर दो. देखो एक बात अब आप समझो, अगर हमें कुछ ऐड करना होगा तो हम ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे. बस इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो. अगर ऐड करना तो न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट करना तो भी न्यूमरेटर. अगर किसी भी स्टूडेंट को आज की बेसिक क्लास में कुछ डाउट हो तो वो बोलो. हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. बात क्या टेंशन, मतलब जो आज आपको समझाया ये आपको क्लियर है? यस सर. यस सर. स्टेप बाय स्टेप चलो, सब चीजें क्लियर हो जाए. ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास है. अंजलि मैम. जी सर. आप बात कर लीजिए. स्टूडेंट्स आपके जो चैट बॉक्स है उसमें आपको एक लिंक शो कर रहा होगा, प्लीज आप जनरल अवेयरनेस की क्लास उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए. उस लिंक
लिंक पे क्लिक करिए, सेम प्रोसीजर है, उस लिंक पे क्लिक करिए, नाम लिखिए और क्लास को ज्वाइन करिए. ओके ओके मैम. ओके Thank you.